साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जरूर जो है आंसर दूंगा। साथियों, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पर हम वीडियो भी बनाते हैं ताकि लोग उसको जो है देख सकें। साथियों, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करके और बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, हॉस्पिटल में मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो है पेज है साथियों ईजी स्टडी फार्मेसी FBPA, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, सर KG और MU में फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का प्रोसेस बताइए। साथियों, KGMC जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ की कैपिटल, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी की कैपिटल है लखनऊ, उसमें जो है ये हॉस्पिटल है। साथियों, पहले ये यूपी चिकित्सा में हुआ करता था, अभी लेकिन क्या है कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक सेंटर गवर्नमेंट की तरह वर्क करती है, पर इनका जो है क्या होता है, सेमी होता है। स्टेट का भी जो है इनके पास फंड होता है और सेंटर गवर्नमेंट का भी होता है। ये एम्स की सैलरी देते हैं साथियों, और इसमें क्या होता है, हायर एजुकेशन जैसे क्या होता है MD MS और MD MS के ऊपर के स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे न्यूरो में स्पेशलाइजेशन है और बहुत सी ऐसी जो है वो क्या कहते हैं PG में जो है वो KGMC कराता है, वहाँ पे MBBS होता है और MD MS होता है। साथ ही साथ उसमें बहुत से पैरा मेडिकल कोर्सेज भी होते हैं साथियों, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें नर्सिंग का है, DMLT है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, बहुत तरह के कोर्स हैं साथियों, रेडियोलॉजिस्ट के हैं, पैथोलॉजी के कोर्स हैं एंड हाइजीन इंस्पेक्टर का भी कोर्स है, और नर्सिंग में जो है बैचलर BSc नर्सिंग भी होता है, मास्टर नर्सिंग जो है MSc नर्सिंग भी वहाँ पे होता है। साथियों, जो विद्यार्थी ने पूछा है कि सर KGMU में हमें ट्रेनिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊँगा, पहले जो है क्या हुआ था, यूपी चिकित्सा के अधीन था तो उसमें जो है डी फार्मा बी फार्मा की ट्रेनिंग होती थी, दैट टाइम बी फार्मा वाली ट्रेनिंग नहीं करते थे क्योंकि उनको रिक्वायर नहीं थी। अभी क्या है कि बी फार्मा वालों को भी थर्ड सेमेस्टर में जो है हॉस्पिटल की 45 डेज, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उस पर जो है फिर क्या होता है, सेशनल का नंबर मिलता है। तो साथियों, वहाँ पे अभी ट्रेनिंग में क्या है कि साथियों ऑटोनॉमस है, वहाँ पे आपको जो है वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो जिला अस्पताल है या मतलब चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ या 100 बेस्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है कि साथियों बहुत हायर लेवल का जो है मरीज आता है, और उसमें क्या होता है कि आपको जैसे रजिस्टर मेंटेन कराएंगे और उस तरह से क्या होगा, जहाँ पे दवा डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पे, पर आप क्या है कि किसी तरह की जैसे ट्रामा या इमरजेंसी केयर में जो है बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग वहाँ भी होती है। आप डायरेक्ट जाएंगे ट्रेनिंग नहीं होगी वहाँ, उसकी साथियों एक फ़ीस है, उसमें क्या होता है कि पहले तो फ्री में होता था, अभी क्या है 25,000 की जो है गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो फीस पे करने के बाद आप डी फार्मा या बी फार्मा की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, जो मैंने डी फार्मा एंड बी मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था 2002 में, मैं पास आउट हुआ था, तो दैट टाइम क्या हुआ था कि जो लखनऊ जिला का अस्पताल था बलरामपुर हॉस्पिटल, उसमें मैं गया था, वहाँ पे सीटें फुल थी, तो फिर मैं क्या हुआ कि KGMC से हमने जो है ट्रेनिंग की थी, KGMC में ट्रेनिंग की थी। दैट टाइम का हमारे पास जो है अटेंडेंस सीट अभी भी है मेरे पास साथी, जिसमें हर OPD में हमारी जो है क्या कहते थे ड्यूटी लगती थी। अगर KGMC अगर आप ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे मुर्दा घर में भी ड्यूटी लगेगी, जिसको हम मर्चरी कहते हैं। मर्चरी में सभी जो है ड्यूटी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टफ है, मतलब डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के होते हैं, एक रूम होता है वहाँ पे जो डॉक्टर उसको जो है एग्जामिन करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो है साथ में रहता है, वो हेल्प करता है, फिर वो प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। तो उस तरह से साथियों जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मैं यही कहूँगा विद्यार्थी से कि अगर आपका ड्रीम है तब तो आप करना चाहें, तो उसके लिए 25 पेड करना पड़ेगा, उसकी जो है गवर्नमेंट की रसीद आपको मिलेगी, और आप जिला अस्पताल CSC PSC 100 बेड हॉस्पिटल कहीं पे भी आप करेंगे वहाँ पे कोई चार्ज नहीं उसका पड़ता है, लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी में चार्ज पड़ता है, जैसे राम मनोहर लोहिया से करेंगे, KGMC से करेंगे या जहाँ से भी करना चाहेंगे तो उसका चार्ज पड़ता है। और हमारे हॉस्पिटल आएंगे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, आप अगर डी फार्मा है तो 3 मंथ की,
ट्रेनिंग होगी 500 आवर्स, अगर आप बी फार्मा हैं तो 45 डेज या 30 डेज की, जैसे आपके जो है उसमें फार्म में होगा उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।